ये योद्धा लड़ता तो एक मिनट में खत्म हो जाती महाभारत। महाभारत काल में ऐसे कई सारे योद्धा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से हर किसी को हैरान कर दिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान इन योद्धाओं ने जो पराक्रम दिखाया उसे सदियों तक लोग याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो चाहता तो महाभारत का युद्ध वह चंद मिनट में खत्म कर सकता था? ये कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक थे, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती के पुत्र थे। वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था, और उसे शिव का अवतार माना जाता था। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि उसने दिव्य शक्ति अपने तप से हासिल की थी। बर्बरीक के पास तीन ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को एक मिनट में खत्म किया जा सकता है। ये बाण अपने लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई नहीं हरा पाया और वो एक पराक्रमी योद्धा था। बता दें, बर्बरी को युद्ध लड़ने से किसी और नहीं बल्कि कृष्ण ने रोका था और उन्होंने अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक को कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम नाम से पूजा जाएगा, और आज खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही पूजे जाते हैं।